द वैल्यू ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए पहले एक फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, जो समेशन गिवन है वो समेशन गिवन है आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। ठीक है, और ये गिवन अपने पास एन सी आर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूँ वो फॉर्मूला होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इजकल्स टू, ये होता है एन प्लस वन सी ऑफ आर। ठीक है, तो वो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन की वैल्यू क्या होती है एन प्लस वन सी ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने इसकी वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा अपने पास समेसन आर इजकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन। ठीक है, और न्यूमिनेटर में टर्म्स क्या आ जाएगा एन सी आर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर टर्म्स आ जाएगा एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। तो ये ओपन होकर क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करें तो न्यूमिनेटर में क्या है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में एन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा एन प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा आर और आर प्लस वन है तो यहाँ पे अपन हायर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आर प्लस वन। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा समेसन आर इजिकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन, समेसन आर इजिकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन, ये ओपन हो जाएगा अपने पास एन फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर फैक्टोरियल और ये वैल्यू आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल और इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा आर प्लस वन फैक्टोरियल और यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा एन प्लस वन माइनस ऑफ आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली वैल्यू आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा और अगर मैं एन फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एन प्लस वन आ जाएगा और अगर मैं आर फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आर प्लस वन। तो बेसिकली जो समेसन सॉल्व होकर आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा समेसन, ठीक है, समेसन यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा आर इजकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन आर इजकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन और न्यूमिनेटर में क्या टर्म्स बचेगा न्यूमिनेटर में टर्म्स बचेगा आर प्लस वन और डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स आ जाएगा एन प्लस वन। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे एन प्लस वन। अब अगर मैं इसके वेरिएबल देखूँ तो इसका वेरिएबल क्या है आर है तो एन प्लस वन कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया तो मैं यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन क्या लेता हूँ बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल क्या है आर प्लस वन, यहाँ से समेसन ये वैल्यू आ जाएगा आर इजकल्स टू जीरो टू एन माइनस वन। तो यहाँ से अब अगर मैं इसकी वैल्यू बेसिकली देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है इनटू में क्या आ जाएगा ये आर प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास आर प्लस वन, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, ठीक है, आर की वैल्यू जीरो टू एन माइनस वन तो ये वन अपॉन एन प्लस वन एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन एज इट इज रहेगा और यहाँ से अगर अपन ब्रैकेट में इसकी वैल्यू देखूँ तो आर की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो आर की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूँ तो ये आ जाएगा वन, आर की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूँगा तो टू, आर की वैल्यू टू पुट करूँगा तो थ्री प्लस फोर फाइव प्लस डॉट 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 टिल अगर मैं आर की वैल्यू एन माइनस वन पुट करूँगा तो एन माइनस वन प्लस वन तो ये वैल्यू आ जाएगा एन। तो ये बेसिकली क्या आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये बाहर में एज इट इज, और इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला देखें तो यह आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से देखें तो एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन और एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और टर्म्स क्या बचेगा अपने पास एन बाई टू, तो इसका सम क्या आ जाएगा यहाँ पे एन बाई टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।